Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. Mariam here. So now we are starting with the topic osmoregulation in animal physiology. And osmoregulation में वैसे fishes की अगर हम ichthyology and aquaculture की बात करें तो वहां पर वो ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है fishes के अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब. लेकिन अभी जो हम osmoregulation स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मैं fishes को भी इंक्लूड करूंगी. इन जनरल अगर हम बात करें तो हम vertebrates को इंक्लूड करेंगे इस टॉपिक में, जिससे कि सारी चीजों को हम कवर अप कर पाए इस osmoregulation टॉपिक में. तो सिर्फ ये fishes के ऊपर ही कहना चाहिए स्पेशलाइज वीडियो नहीं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स पर रहने वाली है. एंड ऑस्मोरेगुलेशन का इंट्रोडक्शन सभी पर कॉमन रहेगा. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट सम पेन्स हियर जिनका नाम है फीगो पेन्स. सो आज जिससे हम लोग यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर स्टडी करेंगे फीगो पेन्स. एज यू कैन सी फाइन कलर्स इनका नाम है. और दूसरा एक और पेन हमारे पास जो है फीगो का लिक्विड पेन है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पर फीगो की एक मैकेनिकल पेंसिल है, उसको भी मैं यहाँ पर यहाँ शो कर देती हूँ आपको, क्योंकि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमें अच्छे क्वालिटी के पेन्स यूज करने होते हैं जो हमारे प्रॉपर नोट्स उसको फॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ शो कर दिया ये पेंसिल है यहाँ पर. एंड अगर आप फीगो पेन्स को बाय करना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं. अब क्वालिटी पेन की तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसी में आपको समझ में आ जाएगी. हम तीनों पेन्स का एंड सॉरी दोनों पेन्स और पेंसिल दोनों का ही यहाँ पर यूज करके यहाँ पर आपको उसकी क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी. सो ऑस्मोरेगुलेशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पर समझेंगे. सो ऑस्मोरेगुलेशन टर्म जो थी कॉइन की गई थी, इनका नाम था कॉइन जिन्होंने किया था उनका नाम था, आप क्वालिटी देखिए पेन की, हॉबर. ठीक है, अब मैं अभी सब डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है. ये 1902 की बात थी जब हॉबर ने ये टर्म को कॉइन किया था. अब होता क्या है कि ये ऑस्मोरेगुलेशन टर्म जो है ये कलेक्टिव टर्म यूज करने को हम करते हैं, मतलब कि कलेक्टिव एक्टिविटीज को अगर हमें शो करना है जिसमें वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स यूज होते हैं उसमें हम यूज करते हैं. बेसिकली जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने वाटर को कंट्रोल कर पा रहा है, अपने वाटर मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहा है, वाटर वॉल्यूम को कंट्रोल कर पा रहा है, उसी चीज को कहीं ना कहीं हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन में पढ़ते हैं. तो अगर हम वाटर मूवमेंट को और दूसरी चीज मैंने क्या कही, वाटर का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम उसी को यहाँ पर कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन से ये चीज रिलेटेड है. राइट, अब क्या होता है कि अगर हॉबर ने अगर इसकी कॉइन की थी टर्म तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ डेफिनेशन भी दी होगी. तो अब मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि हॉबर ने क्या डेफिनेशन दी थी. राइट, उन्होंने कहा था कि ऑस्मोरेगुलेशन ऐसी टर्म है जो कि इम्प्लाई करती है द मेंटेनेंस, बात पे ध्यान देना, द मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम. राइट, मैं समझाऊंगी, यहां भी ध्यान देते जाना. अब ऑस्मोरेगुलेशन इम्प्लाई करता है कि जिसमें आप इंटरनल ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को यहां पर मेंटेन कर सकते हो जो कि डिफरेंट होता है एक्सटर्नल मीडियम से. अब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना, मैं इसको कैसे समझा रही हूं उसको देखो. क्या होता है कि देखिए, ये अगर वाटर है तो वाटर हमारे पास कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं. एक हमारा होता है फ्रेश वाटर और दूसरा हमारा नॉर्मली मराइन वाटर होता है. ठीक है, एक वाटर और होता है जिसको हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसको, ब्रैकिश वाटर कहते हैं. जो ब्रैकिश वाटर होता है ना उसको तो हम फ्रेश वाटर में इंक्लूड कर सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन निगलिजिबल होता है, बिल्कुल या तो होगा ही नहीं सॉल्ट कंसेंट्रेशन, या होगा भी तो इतना 0.0% के आसपास होगा कि वो निगलिजिबल हो जाता है. एंड मराइन वाटर कौन सा वाटर होता है, जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होता है, फाइन. और ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है, जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है, उसी को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं. अब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना बात को, कि कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो कि ओनली फ्रेश वाटर में ही स्टे कर सकती है. ठीक है, और कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में ही स्टे कर सकती है. जिन फिशेज को फ्रेश वाटर में रहने की आदत होती है उनको ये पता होता है कि उनको अगर ऑस्मोसिस करवाना है अपनी बॉडी में, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना है, तो जैसे पानी है, पानी में तो सॉल्ट बिल्कुल क्या होता है, होता ही नहीं है, और इनकी बॉडी में कुछ सॉल्ट होता होगा क्योंकि सोडियम तो सभी की बॉडी में होता है. ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि जब भी अगर ऐसा होता है कि कंसेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट का
सॉल्यूट जो कंसेंट्रेशन होता है वो हमेशा हाई टू लो मूव करता है, ये हम जानते हैं। तो अब क्या होना चाहिए इस कंडीशन में कि फिशेस की बॉडी का सॉल्ट निकलकर पानी में चले जाना चाहिए, और अगर फिशेस की बॉडी में से सॉल्ट निकलकर पानी में चले जाएगा तो फिशेस फिर अपने सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसी तरह से मराइन वाटर में क्या होता है कि हो सकता है फिशेस की बॉडी में जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसका जो आसपास का पानी है उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब यहां पर ये प्रॉब्लम होगी कि जो बाहर का पानी है वो फिशेस की बॉडी में ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा भी सॉल्ट और ज्यादा ही सॉल्ट कंसेंट्रेशन अगर फिशेस की बॉडी में बढ़ जाएगा तब भी जाकर फिश अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए गॉड ने इनको क्या दिया, ऑस्मो रेगुलेशन नाम का एक इक्विपमेंट दे दिया। तो अभी इन मेरी बातों से आपको क्या समझ में आया यहां पर कि अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आयन्स का ऑल्सो वेरी इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म फिश की बॉडी में जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन हो सकता है उसके बाहर जो एनवायरमेंट है वहां पर डिफरेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो बिटवीन द वेरियस कंपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, यहां तक कि उसकी बॉडी के अंदर भी अगर वेरियस कंपार्टमेंट्स हो गए तो वहां भी सॉल्ट कंसेंट्रेशन डिफर कर सकता है। तो ये जो आयनिक डिफरेंस है विच इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी होता है उनकी बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग, अगर टिश्यू की करवानी है सेल की करवानी है तो उसके लिए भी आयनिक डिफरेंस होना जरूरी है, वरना ये होगा कि अगर पूरी बॉडी में भी सेम कंसेंट्रेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर भी डिफरेंट होना जरूरी है आयनिक कंसेंट्रेशन। तो ये सभी चीजों को हम कहते हैं कि यहां पर इसको मेंटेन करवाने की चीज को कहा जाता है आयोनिक रेगुलेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आयोनिक रेगुलेशन कहते हैं, एक टर्म और आ गई। सो बिकॉज द वॉटर एंड आयोनिक रेगुलेशन आर इनसेपरेबल एक्टिविटीज, क्योंकि पानी में जो कंसेंट्रेशन है वो भी मेंटेन रहेगा और फिशेस की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कंसेंट्रेशन है वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये एक तरह की कैसी एक्टिविटी होगी, इनसेपरेबल एक्टिविटी होगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते ऑर्गेनिज्म में। तो इसीलिए यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन टर्म का यूज किया जाता है जो कि दोनों एक्टिविटीज में इंक्लूडेड हो जाती है। सो इफ यू इंटेंड टू स्टडी इट प्रॉपरली इट मस्ट बी कोरिलेटेड विद अदर होम्योस्टेटिक फंक्शन सच एज टेम्परेचर रेगुलेशन एंड पीएच रेगुलेशन, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर और हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, ये वाटर एंटर कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे हम ड्रिंकिंग करते हैं पानी पी रहे हैं तो हमारे अंदर पानी आ जाएगा, हम फूड जो खाते हैं उससे भी पानी अंदर आ जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू भी पानी बॉडी में बनता है, और जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें भी हो जाती है चीजें। तो कहीं ना कहीं वाटर तो बॉडी में एंटर करता है, तो अब ये जो मेंटेनेंस होना है कि वाटर के थ्रू कंसेंट्रेशन का मेंटेनेंस होना जरूरी है, वो कैसे हो सकता है, वो यहां पर यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर जाएगा बाहर, उसके साथ कंसेंट्रेशन आयंस चले जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्वेट ग्लैंड के थ्रू हो गया, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, ये सब प्रोसेस से वो मेंटेन हो सकता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में आज अभी इस लेक्चर में मैंने क्या क्या बातें बताई कि वाटर अंदर तो आ सकता है बॉडी से, बॉडी में कैसे आ सकता है, ड्रिंकिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, थोड़ा फूड के साथ भी आ जाएगा, थोड़ा ऑस्मोसिस के थ्रू भी आ जाएगा, ठीक है, ये तो आ गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी पार करके आ जाएगा अंदर, और बाहर जाने का क्या है, ये तो अंदर आने का था, अगर H2O को बाहर जाना है तो अब कैसे जाएगा बाहर, अंदर का एरो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब बाहर जाने के लिए क्या करेगा वो, तो वो यूरिन के थ्रू जा सकता है, वो यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जा सकता है, वो यहां पर स्वेट के थ्रू जा सकता है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू जा सकता है, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी जा सकता है, राइट। अच्छा, मेरे चैनल पे मैंने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन इन सबको पढ़ा रखा है, जिन स्टूडेंट्स ने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वाला वीडियो नहीं देखा उनको ये ऑस्मो रेगुलेशन समझ में नहीं आएगा प्रॉपरली, तो मैं लिंक्स को या तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे याद दिला देंगे तो मैं वहां ऐड कर दूंगी, जिससे कि आप पहले ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का पूरा डिटेल में समझ लेना, कि क्योंकि काफी टाइम ये समझ में नहीं आता कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फर्क होता है, सॉल्यूट के लिए कौन सा कंसेंट्रेशन फॉलो होता है, सॉल्वेंट के लिए कौन सा होता है, वो सब मैंने डिटेल में बता रखा है, तो वो वीडियो मस्ट वॉच वीडियो है, वो तो आपको चेक करना ही होगा, राइट। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब देखो, ये ऑस्मो रेगुलेशन को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं हर चीज को कवर अप करती हुई चल रही हूँ, आप लोगों को भी यहां पर मेरे साथ साथ सारे वीडियोज को वॉच करना है जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, उन सबको भी देखना है। अब जो ऑस्मोटिक एनवायरमेंट होता है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, वो हम लोग आज हम यहां पर बात करते हैं कि ऑस्मोटिक एनवायरमेंट और एनिमल्स जो होती है उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज हो सकती है। तो देखो, एनिमल्स क्या होते हैं, मेनली चार तरह के एनवायरमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो वो फोर मेन एनवायरमेंट्स में लिव करते हैं। पहले सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट जो हो सकते हैं वो कौन से होते हैं, मराइन होता है एक, तो दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, फ्रेश वाटर आ जाता है,
फ्रेश वाटर। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। और फोर्थ हमारे पास आ जाते हैं ब्रैकिश वाटर ड्वेलर्स, ब्रैकिश वाटर ड्वेलर्स। ये चार तरह के मेन एनवायरमेंट होते हैं जिसमें एनिमल लिव करते हैं। अब क्या होता है, हर एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें पर्टिकुलर कुछ कंसेंट्रेशन होता है आयंस का, ये तो हम समझते ही हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिसको ओवरकम करने के लिए एनिमल्स के अंदर कुछ सिस्टम गॉड ने उन्हें प्रोवाइड किए, राइट। अब क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं सबसे पहले, एक्वेटिक एनिमल्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो इन एक्वेटिक एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ सैलिनिटी एंड देयर एबिलिटीज टू सर्वाइव इन डिफरेंट ऑस्मोटिक एनवायरमेंट। रेंज ऑफ सैलिनिटी के बेसिस पर यहां पर उनको डिवाइड किया गया। एक सबसे पहले आते हैं स्टीनोहेलाइन, स्टीनोहेलाइन। दूसरे आते हैं यूरी हेलाइन, ठीक है, स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन। स्टीनोहेलाइन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूजुअली फुल कहना चाहिए जैसे कि फुली वाटर में रहने वाले इनहेबिटेंट्स होते हैं, पूरी तरह से पानी में रहेंगे पूरी तरह से, और वो भी कौन से वाटर में, सी वाटर में रहेंगे। सी वाटर में रहने वाले मेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अगर सी वाटर में रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके पास बहुत लिमिटेड टॉलरेंस होगा कि ये चेंजेस को सहन कर पाएंगे ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन के ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म स्टीनोहेलाइन कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, तो स्टीनोहेलाइंस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूजुअली हु लिव इन फुल सी वाटर इनहेबिटेंट्स अगर हम कह सकते हैं, एंड हैव अ लिमिटेड टॉलरेंस टू चेंजेस इन ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन। लिमिटेड टॉलरेंस होता है इनके पास, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन का ज्यादा टॉलरेंस ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज यूरीहेलाइन। यूरीहेलाइन और ऑर्गेनिजम्स दोज आर टॉलरेंट ऑफ वैरायटी ऑफ सैलिनिटीज, ये टॉलरेंट होते हैं वेरियस सैलिनिटीज के लिए। अगर अलग अलग तरह के सॉल्ट वाटर में आप इनको डाल रहे हो तो ये रह पाएंगे, ठीक है, इनके अंदर ये कंडीशन होती है। सी वाटर वालों को सिर्फ सी वाटर में रहने की आदत होती है, इसके अलावा अगर आपने किसी और वाटर में इनको डाला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनका लिमिटेड टॉलरेंस होता है। लेकिन यूरीहेलाइन में ऐसा केस नहीं है, टॉलरेंट ज्यादा होते हैं, हर तरह की सैलिनिटी में भी लगभग सर्वाइव कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को। ये बॉल पेन से थोड़ा बेटर पेन है, बॉल पेन से थोड़ा अलग लग रहा है मुझे फील इसका, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग इट हियर। अब ये बात होगी, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब जो एनिमल्स होते हैं इनको अगर एबिलिटी ऑफ ऑस्मो रेगुलेट के बेसिस पर आप डिवाइड करो, ये तो मैंने रेंज ऑफ सैलिनिटी पर एक्सप्लेन करा, अब अगर आप ऑस्मो रेगुलरिटी के बेसिस पर इनको डिवाइड करो तो ये कितने तरह के हो सकते हैं, हम ये बात करते हैं, ठीक है। पहले होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स। बहुत स्मूथ है इंक यहां पर, बिल्कुल जैसे सूख रही है अच्छे प्रॉपरली, फैल भी नहीं रही है क्योंकि हमारे नोट्स प्रॉपर बनना बहुत जरूरी है, तो मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर रही हूं यहां पर आपको। तो अब ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात करते हैं, इनका जो इंटरनल कंसेंट्रेशन होता है, इनका जो इंटरनल कंसेंट्रेशन होता है वो यहां पर कैसा होता है कि वो कहीं ना कहीं पैरेलल होता है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ चेंज आएगा तो इनका इंटरनल कंसेंट्रेशन भी वैसे ही हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको जब वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनकी ऐसी आदत होती है कि अगर बाहर एनवायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा ठंड का मौसम हो रहा है, तब भी उनकी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, वो उसको मेंटेन करके रखेगी। जैसे हम ह्यूमंस, हमारे अंदर 37 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस चाहे कितना भी विंटर सीजन आ जाए या समर सीजन आ जाए, हमारे अंदर जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। विंटर को देखकर हमारा टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं होगा, समर को देखकर हमारा कम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं, उनका केस ऐसा है कि अगर वार्म टेम्परेचर आ रहा है, विंटर टेम्परेचर आ रहा है, फॉर एग्जांपल पहले हम विंटर की बात करते हैं, तो विंटर में अगर टेम्परेचर लो हो रहा है तो उनकी बॉडीज का टेम्परेचर भी वो लो कर लेंगे। समर के टाइम पे अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वो क्या कर लेंगे, हाई कर लेंगे। इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सिमिलरली यहां पर ऑस्मो कन्फर्मर्स का केस होता है,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेराइज करता है इनका पर्टिकुलर जो इंटरनल कंसेंट्रेशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि ऑस्मो कन्फर्मर किसकी तरह रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड जैसे ही होते हैं। अगर बाहर का कुछ चेंज आ रहा है तो इनके अंदर भी चेंज आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिकली स्टेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो इनके अंदर प्रॉब्लम आएगी, ये अपने आपको मेंटेन कर लेते हैं। इनफैक्ट हम इनको कह सकते हैं ये ही है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन भी कर पाएंगे, इनको हम कह सकते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। मैं ऑस्मो कन्फर्मर्स के लिए बात कर रही हूं। अब हम दूसरी बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने इंटरनल ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को एक कांस्टेंट लेवल पर ही रख सकते हैं, जैसे कि हम वार्म ब्लडेड होते हैं ना, उसी तरह से ऑस्मो रेगुलेटर्स यहां पर होते हैं। इनका क्या होता है कि इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है, इनकी बॉडी में जो पर्टिकुलर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है, ये उसको मेंटेन करते हैं, मतलब कह सकते हो कांस्टेंट ही रखते हैं, वो बदलता नहीं है। बाहर का अगर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बदल रहा है तो इनकी बॉडी में नहीं बदलेगा, ये जैसे वार्म ब्लडेड होते हैं ना उसी तरह से ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, बस हम ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ऑस्मोटिकली स्टेबल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, ऑस्मोटिकली स्टेबल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी यहां पर। अब बस एक दो टर्म्स और बता देते हैं, फिर हमारा अभी ये वाला जो लेक्चर का टर्मिनोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है एज अ एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन चेंज होता है, उनका अंदर से भी चेंज हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं वॉल्यूम कन्फर्मर्स। वॉल्यूम कन्फर्मर्स यानी कि बाहर का अगर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन चेंज होगा, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन एक्सटर्नल अगर चेंज होगा, एक्सटर्नल अगर चेंज होगा तो बॉडी में भी चेंज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम कन्फर्मर्स। सो सम एनिमल चेंज इन वॉल्यूम एज द एक्सटर्नल, उनका वॉल्यूम चेंज करने लग जाते हैं वो। अगर बाहर का एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो उनकी बॉडी का जो वॉल्यूम होगा ना वो ये लोग चेंज कर लेंगे, इनको हम कहते हैं वॉल्यूम कन्फर्मर्स। और दूसरे होते हैं वॉल्यूम रेगुलेटर्स, सेम वैसी डेफिनेशन आ रही है, वॉल्यूम रेगुलेटर्स। अब वॉल्यूम रेगुलेटर्स में क्या होता है कि ये ऐसे होते हैं जो कि अपने कांस्टेंट वॉल्यूम को ही मेंटेन करके रखते हैं, बाहर कुछ भी चेंजेस आ जाए उससे इनको फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट वॉल्यूम ही रहता है थ्रू आउट एवरी टाइम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम देखने को मिलता है, ये हो जाते हैं वॉल्यूम रेगुलेटर्स। इसके अलावा एक टर्म होती है पोइकिलोथर्मिक, ये भी टर्म्स आपको पता है, पोइकिलोथर्मिक। और दूसरी कौन सी होती है, होम्योथर्मिक, दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली, होम्योथर्मिक। अब बात करते हैं पोइकिलोथर्मिक की। पोइकिलोथर्मिक हम कोल्ड ब्लडेड को कहते हैं, अभी हमने उसको समझा था। और होम्योथर्मिक हम किसको कहते हैं, वार्म ब्लडेड को कहते हैं, वार्म ब्लडेड को कहते हैं, ये भी हमें समझ में आता है, ये बात आगे क्लियरली हमें समझ। अब उसके बाद एक होते हैं आयोनिक रेगुलेटर्स, आयोनिक कन्फर्मर्स पहले लिख लेते हैं, एक होता है आयोनिक कन्फर्मर्स और अगले होते हैं आयोनिक रेगुलेटर्स। इनका क्या डिफरेंस होता है अगर हम इनको भी समझ लें, तो आयनिक कन्फर्मर्स वो होते हैं, अगर हम बात करें कि ऐसे एनिमल्स जो कि कंसेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन्स को और दूसरे सॉल्यूट्स को अपनी बॉडी फ्लूइड के अंदर कम कर पाते हैं। ठीक है, बहुत कमी से ना के बराबर ही अगर कम कर मतलब मेंटेन कर पा रहे हैं, किसको, एक तो इनऑर्गेनिक आयन्स को, प्लस दूसरा नाम क्या लिया मैंने, कुछ सॉल्यूट्स का लिया। इनका जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, इनका कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना होता है, हर बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में सोडियम होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में सॉल्यूट होना चाहिए, तो उसको मेंटेन करना जरूरी होता है, तभी हम हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा कर पाते हैं। तो अगर ये चीजों को, इनके जो मैंने नाम लिए, इन चीजों को प्रॉपरली कोई मेंटेन अगर नहीं कर पा रहा है, बहुत लिटिल एबिलिटी है कि वो उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं आयनिक कन्फर्मर्स। और दूसरी तरफ हमारे पास जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इन चीजों को रेगुलेट कर पाते हैं, अगर वो रेगुलेट कर पा रहे हैं, जबी तो वो रेगुलेटर्स कहला रहे हैं कि वो इन कंसेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन्स को, कुछ सॉल्यूट्स को बॉडी फ्लूइड्स में मेंटेन